चित्रकूट जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। नवरात्रि बड़े त्यौहार में से एक त्यौहार है। माँ भगवती की 9 दिन तक पूजा की जाती है। नवरात्रि में युवाओं में भरपूर उत्साह देखा जाता है और माता की स्थापना की तैयारी जोरों पर है। आज कलाकार देवी माताओं पर अंतिम सजावट दे रहे हैं। सजावट का आज अंतिम दिन है। अंतिम रूप दे रहे हैं कलाकार। कल से माता के जयकारे मंदिरों में पंडालों में कल से शुरू हो जाएंगे। नवरात्रि में होती है माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा। पहाड़ी कस्बे सहित गांव में माता के पंडाल बनाकर माँ भगवती को बिठाकर 9 दिन तक की जाएगी हर्ष उल्लास के साथ पूजा। हम अभी आपको दिखा रहे हैं पहाड़ी कस्बे में मूर्तिकार की सजावट का अंतिम दिन। चित्रकूट से दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। अच्छा, आप ये जो कलाकारी कर रहे हैं कब से कर रहे हैं और इसकी शिक्षा आपने कहाँ ली? ये करीब हो गया हमको 25-26 साल हो गए जी। ज्ञान कहीं शिक्षा नहीं लिया और हमारा पैतृक गुण है जी, तो बस वैसे है। अच्छा, हमने कोई काम किसी से सीखा नहीं, हमारा कोई गुरु नहीं है। अच्छा, हम पढ़ाई किया, पढ़ने के बाद हम कला नहीं पढ़ा है, बस कला के बारे में दूसरे को बताया है जी जी। अच्छा, तो इस वर्ष आपने कितनी मूर्तियाँ बनाई? इस वर्ष हमने 8 मूर्ति बनाई जी, तो 6 बुक हो गई, 2 शेष रह गई जी। और बड़ा कंपटीशन है क्योंकि 4-4 पहाड़ी में ही मूर्ति बनाने वाले आए हैं, तो अच्छी कला की कोई पहचान नहीं है जी। और अच्छे कलाकार वो जो अभी अभी कार्य शुरू करते हैं जी, क्योंकि कला जो जानता है वो कलाकार के पास आएगा, जो नहीं जानता तो कहता है पैरा है, मिट्टी है यार, चलो पूजा करना है, बात ये है जी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के पहाड़ी ब्लॉक से आपको इस खबर को दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कलाकार आज अंतिम रूप दे चुका है माँ भगवती का। और इस माँ भगवती की कल से 9 दिन तक पूजा चलेगी। माँ भगवती के 9 रूप होते हैं। 9 रूपों की पूजा 9 दिन अलग अलग तरीके से की जाती है। चित्रकूट से दिनेश सिंह की रिपोर्ट।